गलतियां हम सभी करते हैं। छोटी छोटी गलतियां करते करते बड़ी सी बड़ी गलतियां हो जाया करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर ही पाप करते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर घोर अपराध जैसा महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीकों को सुझाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी शामिल हैं। पिछले जन्म के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता यह है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों से मुक्त हुआ जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मददगार साबित होती हैं। पाप पहले मनुष्य को, फिर परिवार को, समाज को, मोहल्ले को, शहर को और फिर देश को बर्बाद कर देता है। पापी व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रकार की संगत करते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। इंसान को पाप कर्मों से बचने के लिए सत्संग की शरण लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करें, इससे मन शुद्ध होता है और पिछले जन्म के पाप भी कटते हैं। आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। आचार्य शुक्रदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। उन्होंने कहा था कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्त होता है। पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ साथ उसके दोषों से बचने का मौका मिलता है। प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। अनजाने में हम कोई पाप कर भी देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय को ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। गुप्त दान जरूर करें, जरूरतमंदों की सेवा भी करें और उसका प्रचार प्रसार ना करें। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।